नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या महाराणा प्रताप के वंशज बदलेंगे राजस्थान की सियासत? चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और राजस्थान विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। इसके साथ ही दल बदल का दौर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव में बढ़त बनाने के लिए भाजपा लगातार प्रदेश के प्रभावी लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है। इस बीच मंगलवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, साथ ही भवानी सिंह कालवी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि जिनकी पार्टी आज पार्टी में सदस्यता हुई है वो वीर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह हैं और दूसरे भवानी सिंह कालवी, जिनके पिता करणी सेना के अध्यक्ष रहे हैं। तो वहीं देखिए, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी की कोशिश के चलते विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और पहले दिया कुमारी को नाथद्वारा सीट से चुनाव लड़वाने की अटकलें थी, लेकिन दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब विश्वराज मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट देने की संभावनाएँ हैं। वही देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ के भाई लक्षराज मेवाड़ के बीच उत्तराधिकारी और संपत्ति को लेकर कानूनी जंग के बरसों से ये जंग चली आ रही है। विश्वराज सिंह मेवाड़ महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं और लक्षराज मेवाड़ महेंद्र सिंह मेवाड़ के भतीजे हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ 1979 में बीजेपी से चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं और विश्वराज सिंह ने कहा है कि मेरे पूर्वजों ने हमेशा समाज की भलाई के लिए सोचा है और इसी सोच के बीच आज मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। इन दोनों नेताओं के शामिल होने से चुनाव में बड़ा असर देखने को भी मिल सकता है। तो देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में करणी सेना ने ही वसुंधरा राजे के खिलाफ कमल का फूल हमारी भूल और मोदी तुझसे बैर नहीं, वहीं वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं जैसे नारे दिए थे, और लेकिन भवानी सिंह के साथ आने के बाद भाजपा को मजबूती ज़रूर मिली है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।